आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जो आपके शरीर को ताकत देने वाली है, आपके दिमाग को ताकत देने वाली है, आपके दिल को ताकत देने वाली है, वात दोष का और पित्त दोष का शमन करने वाली है, स्वप्न दोष को दूर करने वाली है और आपके शरीर के बल को बढ़ाने वाली है, वीर्य को बढ़ाने वाली है और कामोत्तेजना को बढ़ाने वाली यह औषधि होती है। यह औषधि बल्य है, ब्रह्मण है और यह औषधि रसायन औषधि भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विदारी कंद की। तो आज के इस वीडियो में हम विदारी कंद के विषय में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि विदारी कंद के क्या क्या फायदे होते हैं, किन किन रोगों में विदारी कंद का प्रयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से विदारी कंद का प्रयोग करना सबसे श्रेष्ठ कर रहता है, सबसे अच्छा रहता है और विदारी कंद के प्रयोग के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो विदारी कंद से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, विदारी कंद बाजार में विदारी कंद के नाम से ही मिल जाता है, आसानी से यह मिल जाता है और इंग्लिश में इसे इंडियन कुडजू के नाम से जानते हैं और इसका लैटिन नेम प्यूरारिया ट्यूबरोजा है। अब मैं आपको इसके गुण बता देता हूं, तो यह गुरु है और स्निग्ध है, यानी यह पचने में भारी होती है, शरीर में गुरुता लाती है, शरीर का वजन बढ़ाती है, शरीर में भारीपन लाती है, स्निग्ध होती है, शरीर में स्निग्धता लाती है, चिकनापन लाती है और जो शरीर का रूखापन होता है उसको यह दूर करने वाली औषधि होती है। इसका जो रस होता है वह मधुर होता है, यानी मीठा होता है और यह औषधि बहुत ही मतलब कड़वी औषधि नहीं है, यह औषधि स्वाद में भी ठीक होती है, स्वाद में यह अच्छी होती है। इसका जो वीर्य है वह शीत वीर्य औषधि है, यानी यह ठंडी तासीर वाली औषधि है। ठंडी तासीर के होने के बाद भी यह शरीर में आपके में ताकत लाती है और शरीर का ब्रंगण करती है, बल्य करती है और कामोत्तेजना को बढ़ाने वाली यह औषधि होती है। यह वात दोष का और पित्त दोष का शमन करती है, यानी वायु दोष और पित्त दोष जन्य रोगों के लिए यह बहुत अधिक उपयोगी औषधि होती है। विदारी कंद जो है शरीर में जो ब्लड बहता है, यानी ब्लड का जो फ्लो होता है उसको बेहतर करने का कार्य करता है। यह मस्तिष्क में भी जो ब्लड का फ्लो होता है उसे बेहतर बनाता है और इसी कारण से जो मानसिक तनाव बना रहता है, जो चिंता बनी रहती है उसको कम करने में यह आपका सहायक हो सकता है। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर होती हो, जिन लोगों को याद नहीं रहता हो, उन लोगों के लिए भी यह एक उपयोगी औषधि है। इसके अलावा यह आपके दिल को, हृदय को भी यह ताकत देने वाली होती है। विदारी कंद में कुछ फ्लेवनॉइड्स पाए जाते हैं जो आपके ब्लड में जो क्लॉट बन जाते हैं, जो थक्का बन जाता है खून का, उसे रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट्स पाए जाते हैं जो आपके दिल की रक्षा करते हैं, दिल की सुरक्षा करते हैं, हृदय को ताकत देते हैं। इसके अलावा यह आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है, जो VLDL कोलेस्ट्रॉल होता है या LDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी यह कम करने में मदद आपकी कर सकता है। तो कुल मिलाकर यह आपके हृदय को, दिल को ताकत देने वाली, आपके दिल की सुरक्षा करने वाली औषधि है। इसके अलावा विदारी कंद में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट के कारण ही यह आपकी इम्यूनिटी, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का यह कार्य करता है। विदारी कंद जो है वो शरीर में जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन से ग्रस्त होने की संभावना रहती है तो विदारी कंद के प्रयोग से यह संभावना कम होने लगती है। इसके अलावा विदारी कंद जो है वो गले में होने वाली खरांस में, यानी गले को साफ करने का यह कार्य करता है। गले में होने वाली खरांस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह कफ का निस्सारक है, यानी आपके सीने में और गले में जो कफ जमा रहता है उसे यह बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके अलावा जो विदारी कंद होता है वो स्त्रियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। स्त्रियों में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो स्त्रियां अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाती हैं, उन स्त्रियों में इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहता है। यह दूध की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है, दूध की मात्रा को यह बढ़ा देता है
और इसके साथ ही मात्रा बढ़ाने के साथ ही जो दूध की गुणवत्ता होती है वह भी अच्छी हो जाती है इसके प्रयोग से। तो विदारी कंद के प्रयोग से जो स्त्रियां अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाती हों उन स्त्रियों के लिए विदारी कंद का प्रयोग बेहद ज़्यादा उपयोगी रहता है। इसके अलावा जो विदारी कंद का मुख्य प्रयोग किया जाता है वह पुरुषों में होने वाली जो कमजोरी होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। कई पुरुष इस प्रकार के होते हैं जिनमें कमजोरी रहती है, वह अपनी कामेक्षा को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, प्रकट नहीं कर पाते हैं और अपने आप में हीन महसूस करने लगते हैं, अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। ऐसे पुरुषों के लिए विदारी कंद का प्रयोग बेहद ज़्यादा उपयोगी होता है। विदारी कंद के प्रयोग से आपके वीर्य की जो क्वालिटी है वह बढ़ने लगती है, जो आपके शुक्राणुओं की गतिशीलता है वह धीरे धीरे बढ़ने लगती है और यह आपकी जो प्रजनन क्षमता है उसको सुधारता है। यह आपकी काम की जो इच्छा है, जो कामेक्षा होती है, जो सेक्स करने की जो इच्छा होती है उसको भी यह धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, धीरे धीरे उसको भी यह सुधारने लगता है। तो जो सेक्सुअल संबंधी जितने भी रोग होते हैं इस प्रकार के रोगों में विदारी कंद का प्रयोग बेहद ज़्यादा उपयोगी रहता है। आयुर्वेद में इसे वृक्ष औषधि कहा गया है, यानी यह बाजीकरण के लिए, यानी यह आपकी कामोत्तेजना के लिए यह औषधि प्रयोग की जा सकती है। विदारी कंद का जो प्रयोग है वह शरीर की दुर्बलता में किया जा सकता है, सेक्स संबंधी दुर्बलता में किया जा सकता है, यौन दुर्बलता में किया जा सकता है, हर प्रकार की दुर्बलता में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जिन लोगों को स्वप्न दोष की यानी नाइट फॉयल की शिकायत हो उन लोगों के लिए भी विदारी कंद बेहद ही उपयोगी औषधि रहती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि विदारी कंद का प्रयोग किस प्रकार से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। विदारी कंद का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन जो इसका सबसे अच्छा तरीका है वह मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से अगर आप विदारी कंद का प्रयोग करेंगे तो विदारी कंद के अधिक से अधिक फायदे आपके शरीर को होने लगेंगे। तो इसके लिए आपको विदारी कंद का चूर्ण कर लेना है। बाजार में विदारी कंद आसानी से मिल जाती है, उसका कूट पीस कर बारीक चूर्ण आपको तैयार कर लेना है और इसका 1 चम्मच चूर्ण यानी 5 ग्राम चूर्ण को 1 चम्मच घी में मिला लेना है, यानी 5 से 10 ग्राम घी लेना है और आपको 5 ग्राम विदारी कंद का चूर्ण लेना है और उसे अच्छी प्रकार से मिला लेना है। इस प्रकार इसको पेस्ट बनाकर इसका प्रयोग करना है और ऊपर से आपको दूध पी लेना है। इस प्रकार इसका एक बार आपको प्रयोग करना है, सुबह नाश्ते के बाद इसका प्रयोग करना है और घी के साथ पेस्ट बनाकर दूध के साथ इसका प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे तो विदारी कंद के जितने भी फायदे हैं, शरीर को आपको ताकत मिलेगी, दिल को ताकत मिलेगी और विदारी कंद के होने वाले फायदे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पहुँचेंगे। इसका प्रयोग आप किसी भी माह में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप 2 माह 3 माह तक लगातार इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। परंतु यहाँ मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी किसी भी औषधि का आप प्रयोग करें तो अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से अवश्य ही सलाह ले लें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके प्रयोग से क्या नुकसान हो सकता है। तो विदारी कंद जो है वह एक गुरु औषधि है, वजन बढ़ाने वाली औषधि है, तो जिन लोगों को वजन कम करना हो उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए या इसके प्रयोग से बचना चाहिए। इसके अलावा यह गुरु होने के कारण आपके पाचन संस्थान को भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है, तो जिन लोगों को पाचन संबंधी दिक्कतें हों उन लोगों को भी इसके प्रयोग से बचना चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी व्यक्ति को इसके प्रयोग से एलर्जी हो सकती है, तो अगर एलर्जी होती हो तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, विदारी कंद के विषय में यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।